नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का वीडियो एक अपडेट वीडियो है। हमने कुछ दिन पहले ही रोज़ की हार्ड प्रूनिंग के बारे में एक वीडियो डाला था और उसी की अपडेट आज इस वीडियो में मिलेगी। प्लस जो आगे विंटर का सीजन आने वाला है उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए गुलाब में क्या क्या काम करने हैं वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आपने देखा है और पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करके आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आपका जो दिल है वो बिल्कुल बाग बगीचा हो जाएगा वीडियो देखकर, आपको खूब आनंद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये देखिए, ये खूबसूरत से रोज़ के पौधे आप देख रहे हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है, एक महीना उसको हो गया है डाले हुए, एक महीने पहले मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग की थी और उसके बाद एक महीने में ही आप इन पर ब्रांचेस देखिए कितनी ज़्यादा निकली हुई हैं। एक एक पौधे पर चार चार पाँच पाँच छः छः ब्रांचेस नीचे से निकली हुई हैं। और एक ही महीने के रिजल्ट देखिए आप इस पौधे पर, तो बर्ड्स भी देखिए कितनी भारी मात्रा में आपको दिख रही हैं इधर भी और इधर भी। देखिए ये 8-10 बर्ड्स लगभग इधर हैं और दूसरी ब्रांच पर भी 8-10 बर्ड्स हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 15-20 बर्ड्स इस पर आ गई हैं। हालांकि और जो पौधे हैं मेरे, उन पर अभी बर्ड्स नहीं आई हैं और उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है। लेकिन मेरे पास जो तीन चार पौधे हैं ये, इनकी ग्रोथ तो खूब निखर के आई है और उसका रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। ये पौधा भी देखिए, ये भी गुलाब का ही पौधा है। और ये जितने भी मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ ये सारे इंग्लिश रोज़ हैं, इंग्लिश गुलाब के ये पौधे हैं। तो अब से पहले हमने जो जो काम किए थे उनका मैं एक और व्यू बता देता हूँ। मैंने इनको एक महीना पहले हार्ड प्रून किया था और इनकी में फर्टिलाइज़र भी हल्का सा दिया था, प्लस इनकी निराई गुड़ाई अच्छे तरीके से की थी। उसके बाद इनका जो अपडेट है वो आज आप देख रहे हैं। अब हमने जो इन पर काम करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि मौसम जो है अब विंटर का आने वाला है और विंटर के मौसम में बहुत सारे फ्लावरिंग इन पर लेनी है हमने, तो उसके लिए काफ़ी काम करने भी पड़ेंगे, तभी इन पर हैवी फ्लावरिंग आएगी। और हैवी फ्लावरिंग का जो सीक्रेट है वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जो सीक्रेट है वो ये है कि आपने इनकी निराई गुड़ाई अब अच्छे से कर लेनी है। तो मैं इनकी निराई गुड़ाई शुरू करता हूँ। तो इस तरह से जो आपके पौधे हैं उनको अच्छी तरह से आपको निराई गुड़ाई उनकी कर लेनी है और मिट्टी को हल्का थोड़ा सा कर लेना है। वैसे इसकी मिट्टी आप पौधे की देख भी रहे होंगे कितनी हल्की है, और ज़रा सी ही इसमें फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही है और एकदम से ये पूरी भुरभुरी मिट्टी हो जा रही है। तो ऐसे ही सारे जितने भी पौधे हैं अपने, उन सब की निराई गुड़ाई हम कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप सब, ये मैंने अपने जो पौधे हैं इन सब की गुड़ाई अच्छे से कर ली है और इनकी मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया है। तो मिट्टी भुरभुरी हो गई है, निराई गुड़ाई इनकी हो गई है। अब इससे क्या होगा कि जो जड़ें हैं उनको हवा अच्छे से लगेगी और जो हम खाना इनको अब देंगे फर्टिलाइज़र का, वो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगी और जो ग्रोथ है पौधे की वो और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो ये तो बात थी गुड़ाई निराई की, और अब एक काम करना है हमने, इनको एक अच्छा फर्टिलाइज़र देना है। और वो फर्टिलाइज़र जो है उसकी जानकारी अब हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जिस फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा था वो फर्टिलाइज़र बिल्कुल आपके सामने है, और इस फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और आपको आसानी से आपके मार्केट में खाद बीज की दुकान पर मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने लिया है ये अच्छी तरह से सड़ी हुई 2 साल पुरानी गाय के गोबर की खाद है।
आप इसका टेक्सचर देख रहे होंगे कितनी मुलायम हो चुकी है ये, और अच्छी तरह से ये डिकम्पोस्ट हो चुकी है। तो ऐसी ही आपने खाद लेनी है, क्योंकि अगर आप ताज़ी खाद लेंगे तो उसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमने ली है वो ली है, ये देखिए, ये स्टोन डस्ट है। स्टोन मतलब पत्थर और डस्ट मतलब चूरा। तो ये एक तरह से पत्थर का चूरा है, क्योंकि अभी जो हम अपने पौधे को देने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा पौधे को रिक्वायरमेंट रहेगी कैल्शियम की, उसके बाद रिक्वायरमेंट रहेगी पोटेशियम की, और उसके बाद सारी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड रहेंगी। तो कैल्शियम का ये बहुत अच्छा स्रोत है स्टोन डस्ट। और अगर आपके पास स्टोन डस्ट ना हो तो आप बोन मिल का यूज़ भी कर सकते हैं, बोन मिल भी सेम ही काम करेगा। तो स्टोन डस्ट ले लीजिए और बोन मिल ले लीजिए, दोनों एक ही बात होती हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है ये नीम की खली। नीम की खली का जो काम है वो ये है कि आपका जो पौधा है उसमें फंगस नहीं लगेगी और किसी तरह का बैक्टीरिया उसमें नहीं होएगा, तो उससे आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और किसी तरह की कोई बीमारी उसमें नहीं आएगी। तो इसमें मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। दो मुट्ठी मैंने ये गाय के गोबर की खाद ली है, एक मुट्ठी मैंने ये ली है स्टोन डस्ट, और आधी मुट्ठी मैंने ली है ये नीम की खली। तीनों का हमने मिक्सचर बनाना है और एक एक मुट्ठी डेढ़ डेढ़ मुट्ठी के आसपास हमने सारे जो पौधे हैं उसमें डाल देना है। तो इसको अच्छे से हमने मिला लेना है, और मिलाने के बाद ही हमने इसको अप्लाई करना है, क्योंकि मिक्स अगर नहीं होगा तो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें मिलाना भी इसको बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी तरह से इस तरह से आप इसको मिला लीजिए। तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है बनकर बिल्कुल रेडी है, और ये डेढ़ डेढ़ दो दो मुट्ठी आप अपने पौधों में इस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह से आप मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे जितने भी हमारे पास पौधे हैं मैं सब में ये इस तरह से मिला देता हूं, और मिलाने के बाद इसको एक बार मिक्स करना भी ज़रूरी रहेगा कि जो आपका पौधा है उसकी मिट्टी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैं इसी तरह से जो सारे पौधे हैं हमारे उनमें डाल देता हूं। तो इस तरह से हमने अपनी जो खाद बनाई है ये मिक्सचर, इसको हम दो दो मुट्ठी के आसपास सारे पौधों में अपने डाल लेंगे। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र देने के बाद हमने अपनी जो खाद दी हुई है उसको मिट्टी में मिक्स कर देना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगी और इसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर आ पाएगा। तो ये सारे काम हमने इसी महीने में करने हैं, ताकि जो हमारा पौधा है उस पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से आई जो, और फ्लावर जो हैं उनका साइज़ बहुत अच्छा रहे। अब इसमें इसको हमने दो तीन दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और दो तीन दिन बाद इसमें पानी देना है। जब तक इसकी मिट्टी गीली है तब तक इसमें पानी ना दें, और जब मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी दें, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो मिट्टी जो है इतनी जल्दी सूख नहीं पाती। तो ये आज की वीडियो में जानकारी थी, और उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो में। नमस्कार।